हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का 9th लेक्चर है और इसके बाद हमारे 4 लेक्चर और रह गए हैं, जिसमें 2 पेंटिंग करा दूंगा मैं और 1 लेक्चर में आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो सब मैं करा दूंगा। तो आज हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट पेंटिंग, जिसका नाम है कृष्णा ऑन स्विंग। तो इससे पहले हमारे 8 लेक्चर आ चुके हैं, जिन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वो जरूर से देख लें, तभी यहाँ पर आना, आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी होगी कि क्या चल रहा है क्लासेस में। तो आज 9 लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का क्या नाम है, पेंटिंग का नाम है कृष्णा ऑन स्विंग। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर स्विंग बना दिया है। तो सबसे पहले अगर आपको इस डिस्क्रिप्शन लिखने को आए कि राइट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑन कृष्णा ऑन स्विंग, तो आपको नेम लिखना होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो जरूर देखना मेरे प्रीवियस लेक्चर, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि सबसे पहले हमें नेम लिखना होता है कृष्णा ऑन स्विंग, क्वेश्चन में से ही छाप दो। दूसरे में आर्टिस्ट नूरुद्दीन, इसके आर्टिस्ट है नूरुद्दीन और इसका स्कूल है बीकानेर, बीकानेर। इसका मीडियम है टेम्परा, टेम्परा का मतलब क्या होता है, जब भी हम वाटर कलर से किसी पेपर पर पेंटिंग करते हैं उसे टेम्परा कहा जाता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। कॉर्टेसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये कॉर्टेसी का मतलब होता है ये पेंटिंग हमें अब कहाँ मिल सकती है, तो ये नेशनल म्यूजियम में आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। वन डे कृष्णा टेक विद हिम ऑन द स्विंग ऑन गोपी अदर देन राधा। तो इसमें क्या दिया गया है, एक दिन, देख सकते हो पेंटिंग ये रही, मैंने ये भी रख ली, कृष्णा जो हैं वो एक मतलब गोपी के अलावा किसी, मतलब वो गोपी नहीं है, किसी और लेडी के साथ बैठे हुए हैं स्विंग पर, झूले पर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड कृष्णा इज अलोन ऑन स्विंग, पहले पार्ट में कृष्णा जो हैं वो अकेले ही स्विंग पर झूले पर बैठे हुए हैं। और सेकेंड पॉइंट, ही हैज़ हिज आइज फिक्स ऑन राधा हु इज सिटिंग द पोर्च और अ टेरेस, और उनकी जो आइज हैं वो दूसरी तरफ, जो टेरेस पर राधा बैठी हुई हैं, वो राधा नहीं है बल्कि वो गोपी हैं कोई, उनका देख रहे हैं वो, उन पर मतलब फिक्स्ड है उनकी आइज। देख सकते हो आप इस वाले ऊपर पार्ट में, कृष्णा जो है यहाँ पर गोपी को देख रहे हैं, ये राधा नहीं है। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा, राधा भी कृष्णा को देख रही हैं। फोर्थ पॉइंट, इन लोअर पार्ट कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड वन बॉल एंड राधा इनसाइड द अदर। तो नीचे की जो पेंटिंग में है, पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, पेंटिंग के 2 पार्ट हैं, ऊपर वाली दिखाओ और नीचे वाली। नीचे वाले में ना वो ना एक मतलब जैसे बोलते हैं मैट बिछाकर दोनों राधा और कृष्णा अलग अलग तरफ बैठे हुए हैं। द आइज एंड फोसेज ऑफ बोथ बैटरे ग्रीफ एंड पेन, उनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वे किसी दुखद भरे मतलब विषय पर बात कर रहे हैं, उनकी आइज से कुछ पेन मतलब दुख छलक रहा है। 6 पॉइंट, कृष्णा इज वियरिंग अ क्राउन एंड ऑर्नामेंट, कृष्णा जो है वो क्राउन पहना हुआ है और ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, आप देख सकते हो नीचे वाले पार्ट में। एट द बुक एट द बैक ऑफ कृष्णा एंड राधा देयर इज अ राउंड पिलो, उनके पीछे एक राउंड पिलो भी रखा हुआ है। व्हाइट कलर इज यूज फॉर ऑर्नामेंट्स, व्हाइट कलर को ज़्यादा ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि ज्वेलरी उनकी व्हाइट कलर से फ्लावर से बनाई हुई है। तो गाइज, आई होप कि आपको कृष्णा ऑन स्विंग क्लियर हो गया होगा, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली और मैं जल्दी क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलो बाय, मिलते हैं राधा बनी ठनी के साथ।